अब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ट्रेनिंग स्कूल का 21 दिन का सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य है। एसडीएम बोले, सरकार के निर्देशों के अनुसार सिस्टम में सॉफ्टवेयर हुआ अपडेट। सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए सॉफ्टवेयर की में किया बदलाव। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अब 21 दिन का ड्राइविंग स्कूल से सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य हो गया है। इसके बाद ही लाइसेंस बन सकेगा। लाइट मोटर व्हीकल के लिए 15 सितंबर से नया नियम लागू किया गया है। लर्निंग और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए विभाग ने फैमिली आईडी को भी अनिवार्य कर दिया है। अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते समय 21 दिन का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट देने के बाद वाहन चलाकर दिखाना पड़ेगा। इसके बाद ही परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाएगा। मनमर्जी की फीस पर लगेगा अंकों से। वर्ष 2021 में भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए ड्राइविंग स्कूल से 21 दिन की ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट जरूरी किया था। ड्राइविंग स्कूल संचालक इस सर्टिफिकेट के एवज में मनमर्जी की फीस वसूलने लगे थे। 2 से 3 हज़ार रुपये में बनने वाला लाइसेंस 8 से 10 हज़ार रुपये में बनने लगा था। नई व्यवस्था को लेकर प्रदेश भर के से विरोध के स्वर उठने लगे थे। ऐसा देखते हुए ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत ही नियम वापस लिया था। अब इसे पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया है। थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में पास होना जरूरी है। लाइसेंस के लिए शिक्षण पाठ्यक्रम भी तैयार किया गया है। इसे थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों दो भागों में बांटा गया है। एलएमवी के ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल सर्टिफिकेट में 15 दिन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और 6 दिन थ्योरी क्लास पास करना अनिवार्य होगा। 15 दिन की प्रैक्टिकल और 6 दिन की थ्योरी क्लास पास करना अनिवार्य है। यह सर्टिफिकेट होगा तो ही लाइसेंस बन सकेगा, वरना लाइसेंस अस्वीकार कर दिया जाएगा। 19 मान्यता प्राप्त ट्रेनिंग सेंटर हैं। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल का 21 दिवसीय सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया गया है। जिले भर में 19 मान्यता प्राप्त ट्रेनिंग सेंटर चल रहे हैं। 2 फर्जी केंद्रों की शिकायत एसडीएम हिसार डीसीएसपी विजिलेंस को सौंपी गई है। सर्टिफिकेट के लिए 4200 रुपये फीस निर्धारित है। संजीव कौशिक, पूर्व प्रधान ट्रेनिंग स्कूल एसोसिएशन हिसार। पूरे प्रदेश में सॉफ्टवेयर को किया गया लागू, एसडीएम ने कहा।